हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर को लेकर आंदोलन तेज, सोमवार से अनशन की चेतावनी। भीनमाल पेयजल संकट से त्रस्त भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा संचालित आंदोलन को एक माह पूर्ण होने व आंदोलन के द्वितीय चरण में बड़ा रूप प्रदान करने के लिए बुधवार को नर्मदा नीर संघर्ष समिति द्वारा स्थानीय भगवान वराहश्याम मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार से कार्मिक अनशन व आंदोलन को बड़ा रूप प्रदान करने के लिए आंदोलन की अलग गांव-गांव में जाकर सहयोग का निर्णय लिया गया। इस दौरान समिति के सदस्य शेखर व्यास ने कहा कि नर्मदा नीर को लेकर संचालित आंदोलन को बुधवार को एक माह पूर्ण हुआ है। आंदोलन को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा जोश व पेयजल संकट को लेकर आक्रोश व्याप्त है। व्यास ने बताया कि गत 16 अगस्त से एसडीएम कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान व प्रशासन को लगातार ज्ञापन सौंपने के बावजूद सरकार, प्रशासन व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कोई असर नहीं हुआ है, जिसको लेकर आमजन में आक्रोश व्याप्त है। व्यास ने आंदोलन की सफलता के लिए द्वितीय चरण में ढोल नगाड़े व शंख बजाकर सरकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को जगाया जाएगा। इसी के तहत मटका फोड़ व सड़क जाम के कार्यक्रम भी होंगे। समिति सदस्य मोहन सिंह सिसोदिया, दिनेश दवे नवीन, शैतान सिंह भाटी, जबराराम भाटी व सावलाराम परमार ने बताया कि आंदोलन के द्वितीय चरण में भीलमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों के लोगों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में चक्का जाम किया जाएगा। आगामी 13 सितंबर से समिति सदस्यों द्वारा कार्मिक अनशन प्रारंभ किया जाएगा। सदस्यों ने एक स्वर में चेताया कि आंदोलन को उग्र रूप धारण करवाने के लिए सरकार, प्रशासन व जनप्रतिनिधि आमजन को मजबूर कर रहे हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जागरूक टीवी के भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।